अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन किचन, जहाँ पे कुकिंग होगी बड़ी इजी और मजेदार। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मजेदार सा व्हाइट फॉरेस्ट केक, वो भी बिना ओवन के और बिना एग के। तो यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे और ऐड कर लेंगे ऑयल 3 बड़े चम्मच, और उसके बाद ऐड कर लेंगे पिसी हुई चीनी 1/2 कप और 1 बड़ा चम्मच, और उसके बाद ऐड कर लेंगे मिल्क 80 ml या 1/3 कप, जो कि रूम टेम्परेचर में ऑलरेडी रखा था। और उसके बाद ऐड कर लेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे, और अच्छे से जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने अभी ऐड किया है अच्छे से विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड कर लेंगे मैदा 3/4 कप ऐड कर लेंगे, और उसके बाद ऐड कर लेंगे बेकिंग पाउडर 3/4 छोटी चम्मच ऐड कर लेंगे, और उसके बाद ऐड कर लेंगे बेकिंग सोडा यानि कि खाने वाला सोडा 1/4 छोटी चम्मच ऐड कर लेंगे, और उसके बाद ऐड कर लेंगे विनेगर 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। इसकी जगह आप चाहे तो लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अच्छे से विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट सा बैटर बन के रेडी है। कट एंड फोल्ड मेथड की वजह से अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिबन वाली कंसिस्टेंसी। और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने 6 इंच की टिन ली है, और इसमें अच्छे से बटर पेपर से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पे हम बैटर को जो है टिन में पाउर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा बैटर जो है हमने ऐड कर लिया है, और अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स जो है अच्छे से रिमूव हो जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक कढ़ाई रख लेंगे, और उसमें स्टैंड को प्लेस करेंगे, और लो फ्लेम पर कढ़ाई को जो है अच्छे से प्री हीट होने देंगे। यहाँ पे स्टोव को ऑन कर लेंगे पहले, और उसके बाद लिड लगा देंगे, और 5 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे या प्री हीट कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, तो इस पॉइंट पर रख देंगे हमारी टिन जो कि हमने केक का बैटर ऐड कर लिया था। केक की टिन को रख देंगे और लीड लगा देंगे, और लो फ्लेम पर फिर से 35 से 40 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हो तो 150 डिग्री सेल्सियस पर 30 से 40 मिनट तक कुक करें या बेक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 मिनट हो गए हैं, तो यहाँ पे हम टूथपिक से चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे टूथपिक जो है अच्छे से क्लीन निकली है। तो यहाँ पे हमने केक को अच्छे से ठंडा होने के बाद नाइफ की मदद से अच्छे से साइड्स को थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे या डीमोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट सा केक बन के रेडी है, वो भी स्पंजी सा। तो इसको जो है हम केक को 2 लेयर्स में डिवाइड कर लेंगे, आप चाहे तो 3 लेयर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चिल्ड बाउल लेंगे, और इसमें व्हिप क्रीम ऐड कर लेंगे 1 कप या 240 ml क्रीम को ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे अच्छे से लो स्पीड पर पहले में 2 मिनट तक बीट कर लेंगे, और उसके बाद जो है बीटर की स्पीड बढ़ा लेंगे, और 4 से 5 मिनट तक अच्छे से क्रीम को स्टिफ पीक्स आने तक व्हिप कर लेंगे। बस थोड़े टिप्स को फॉलो करें क्रीम को बीट करने के लिए, यानी कि थोड़ा सा ठंडा बाउल लें और बीटर्स को भी थोड़ा सा ठंडा ही रहने दें, यानी कि 15 मिनट से पहले फ्रिज में रख लें। और उसके बाद यहाँ पे एक लेयर ऐड कर लेंगे, और उस पर से शुगर सिरप को अप्लाई कर लेंगे, और उस पर से हम क्रीम को जो है अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे शुगर सिरप जो है 2 टीस्पून चीनी, और उसमें वाटर 1/4 कप को ऐड करके हमने बना लिया था, और उसके ऊपर से यहाँ पे क्रीम का लेयर को जो है हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, और उसके ऊपर चॉप किए गए हैं चेरीज को ऐड करें ही। आप चाहे तो इसकी जगह पर चॉकलेट यानी कि व्हाइट चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से सेकेंड लेयर रख लेंगे, और इस पर से अगेन शुगर सिरप को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड लेयर और शुगर सिरप ऐड करने के बाद फिर से हम क्रीम को जो है स्प्रेड कर लेंगे, और साइड्स में भी अच्छे से कवर कर लेंगे। दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें रेसिपी को, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लीन एड्रेस के लिए आपके घर में जो भी कार्ड्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड्स ले लें और कोई भी कार्ड्स ले लें, और उसको जो है हम स्क्रेपर की तरह से यूज़ करें और अच्छे से क्लीन फिनिश दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड्स भी अच्छे से बन गए हैं, और यहाँ पे हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने व्हाइट चॉकलेट ले लिया है जो कि थोड़ा सा चॉप करके रख लिया था, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में। इसको जो है हम साइड्स में सारा लगा लेंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पे
हम स्टार नोजल ले रहे हैं और यहाँ पे हमने व्हिपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग में अच्छे से फिल कर लिया था और उसके बाद हम स्पाइरल डिज़ाइन बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पाइरल डिज़ाइन बना लिया है। और नीचे के एज में भी थोड़ा सा उसी नोजल से हम थोड़ा सा प्रेस आउट करके ड्रॉप्स बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट सी बॉर्डर लाइन बनती जा रही है। ये रेसिपी जो है बड़ी मजेदार लगेगी, आप भी इसे जरूर से ट्राई करें घर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजाइन जो है हमने अच्छे से बना लिया है। तो लास्ट फिनिशिंग टच बचा है, यानी कि थोड़े से चेरीज को हम प्लेस कर लेंगे। इससे आपका केक जो है और भी डेकोरेटिव लगेगा और एकदम बाजार वाला लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में भी हम थोड़ा सा व्हाइट चॉकलेट की मदद से अच्छे से फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मजेदार सा व्हाइट फॉरेस्ट होममेड केक बनके रेडी है। आप भी इसे बना सकते हैं। अगर आपने रेसिपी ट्राई की है तो ज़रूर से फीडबैक दें और अगर रेसिपी बनाएं तो आप हमें इंस्टाग्राम में आपकी बनाई हुई रेसिपी की फ़ोटो को सेंड कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक को जो है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। बड़ी मज़ेदार बना था केक, आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट सा केक। तो चलिए टेस्ट करें, मज़ेदार सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।